हाय एवरीवन, तो आज हम बात करने वाले हैं कैटरीना कैफ की ऑल मूवी लिस्ट के बारे में। यार अच्छा, इनकी मूवी की पहलाई होने वाली है, तो असंभव। वीडियो में अंत तक बने रहे, ठीक है। आई को शेट ठोक दीजिए, महाकाल का दबा के लाकर शेट ठोक दीजिए। कैटरीना कैफ की फर्स्ट मूवी बूम आई 2003 में अमिताभ बच्चन के साथ, और इस फिल्म का गाना भरा गया बॉक्स ऑफिस पर। तुम्हें शर्म है कुछ नहीं? और यानी मूवी फ्लॉप हो गया। अगली मूवी मैंने प्यार क्यों किया 2005 में सलमान खान के साथ आई, और यह फिल्म बॉक्स ऑफिस पर सेमी हिट रही। कुछ भी रोमांस तो मूवी में ठेल दिया गया। क्या बोला तूने? नेक्स्ट मूवी कैटरीना कैफ की हमको दीवाना कर गए अक्षय कुमार के साथ आई 2006 में, और यह फिल्म फ्लॉप हो गया बॉक्स ऑफिस पर। यानी मूवी की पिलाई हो गई। अगली मूवी कैटरीना कैफ की नमस्ते लंदन आई 2007 में अक्षय कुमार के साथ, और यह फिल्म बॉक्स ऑफिस पर एवरेज रही। बात तो सही है। लव रोमांस मूवी में पेल दिया गया। कैटरीना कैफ की अगली मूवी अपने आई 2007 में सनी देओल के साथ, और यह फिल्म बॉक्स ऑफिस पर एवरेज रही। ये क्या बात हुई? फैमिली ड्रामा मूवी में पेल दिया गया। नेक्स्ट मूवी कैटरीना की वेलकम आई 2007 में अक्षय कुमार के साथ, और यह फिल्म बॉक्स ऑफिस पर हिट रही। क्या बात है सर, क्या बात है सर। सेक्सी कॉमेडी रोमांस मूवी में रेल दिया गया। अगली मूवी कैटरीना कैफ की रेस आई सैफ अली खान के साथ 2008 में, और यह फिल्म बॉक्स ऑफिस पर सेमी हिट रही। अच्छा, एक्शन थ्रिलर मूवी में रेल दिया गया। असंभव। नेक्स्ट मूवी कैटरीना कैफ की सिंग इज किंग आई अक्षय कुमार के साथ 2008 में, और यह फिल्म बॉक्स ऑफिस पर हिट रही। अच्छा, रोमांस एक्शन मूवी में ठेल दिया गया। क्यों हिला डाला ना? अगली मूवी कैटरीना कैफ की युवराज आई सलमान खान के साथ 2008 में, और यह फिल्म का गांड मारा गया बॉक्स ऑफिस पर, यानी फ्लॉप हो गया। नेक्स्ट मूवी कैटरीना कैफ की न्यूयॉर्क आई जॉन अब्राहम के साथ 2009 में, और यह फिल्म सेम हिट रही। मानता है कि नहीं? अगली मूवी कैटरीना कैफ की पार्टनर आई सलमान खान एंड गोविंदा के साथ 2009 में, और यह फिल्म बॉक्स ऑफिस पर हिट हो गया। ये बड़ी अच्छी बात कही। लव रोमांस तो मूवी में फेल दिया गया। कैटरीना कैफ की अगली मूवी अजब प्रेम की गजब कहानी आई आलिया भट्ट के भतीजा रणबीर कपूर के साथ, गजब बेइज्जती है, 2009 में, और यह फिल्म बॉक्स ऑफिस पर सेमी हिट रही। ठीक है, रोमांस कॉमेडी तो मूवी में पेल दिया गया। तुम्हें कैसे पता चला? नेक्स्ट मूवी दे दनादन आई कैटरीना कैफ की ट्विंकल खन्ना के भतार के साथ, क्या बोला तूने? 2009 में, और यह फिल्म एवरेज रही। मैं नहीं मानता। सेक्सी कॉमेडी तो मूवी में पेल दिया गया। रुको जरा, सबर करो। कैटरीना की नेक्स्ट मूवी राजनीति आई 2010 में काजोल के भतार अजय देवगन के साथ, और यह फिल्म सेमी हिट रही। पॉलिटिक्स स्टोरी मूवी में पेल दिया गया। अगली मूवी कैटरीना कैफ की 30 मार खान आई ट्विंकल खन्ना के भतार अक्षय कुमार के साथ, तुम्हें शर्म है कुछ? कुछ शर्म आया है नहीं? 2010 में, और यह फिल्म एवरेज रही। बात तो सही है। कैटरीना कैफ की नेक्स्ट मूवी जिंदगी ना मिलेगी दोबारा 2011 में ऋतिक रोशन के साथ, और यह फिल्म बॉक्स ऑफिस पर हिट रही। ठीक है, अगली मूवी कैटरीना कैफ की मेरे ब्रदर की दुल्हन आई 2011 में इमरान खान के साथ, और यह फिल्म सेमी हिट रही। क्या बात है सर, क्या। अगली मूवी कैटरीना कैफ की एक था टाइगर आई सिंगल लौंडा सलमान खान के साथ, गजब बेइज्जती है, 2012 में, और यह फिल्म बॉक्स ऑफिस पर सुपर हिट हो गया। एक्शन रोमांस तो मूवी में पेल दिया भाई, समझ रहे हो? समझ रहे हो? नेक्स्ट मूवी जब तक है जान आई शाहरुख खान के साथ 2012 में, और यह फिल्म बॉक्स ऑफिस पर हिट हो गया। अच्छा, हमको सिखा। रोमांस तो मूवी में रेल दिया गया। अच्छा। अगली मूवी कैटरीना कैफ की धूम 3 आई आमिर खान के साथ 2013 में, और यह फिल्म बॉक्स ऑफिस पर ब्लॉकबस्टर हो गया। असंभव। एक्शन रोमांस तो मूवी में पेल दिया गया। अगली मूवी कैटरीना कैफ की बैंग बैंग आई ऋतिक रोशन के साथ 2014 में, और यह फिल्म बॉक्स ऑफिस पर सेमी हिट ही रही। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। एक्शन रोमांस तो मूवी में पेल दिया गया। कैटरीना कैफ की नेक्स्ट मूवी फैटम आई 2015 में करीना कपूर के भतार के साथ, ये क्या बात करते हैं यार। फिल्म का गांड मारा गया बॉक्स ऑफिस पर, कैसी अपमान जनक बातें कर रहा लौटा, ये अश्लील है ये लौंडा, और यानी फ्लॉप हो गया। असंभव बेचौदह संभव। नेक्स्ट मूवी फितूर आई आदित्य रॉय के साथ 2016 में, और इस फिल्म का भी गांड मारा गया बॉक्स ऑफिस पर। रोमांस तो मूवी में रेल दिया गया। अच्छा। अगले मूवी कैटरीना कैफ की बार बार देखो आई कियारा आडवाणी के भतार के साथ, तुम्हें कैसे पता चला, 2016 में, और यह फिल्म फ्लॉप हो गया। पैसा बर्बाद बहन चोद। रोमांस तो मूवी में रेला ठेला पेला। कैटरीना कैफ की अगली मूवी जग्गा जासूस आई आलिया भट्ट के भतार के साथ, ये क्या बात करता है यार। 2017 में, और यह फिल्म बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप हो गया। ओह शिट।
नो भाई, रोमांस तो मूवी में पेल दिया गया। अरे झूठ बोल रहा है, ये झूठ बोल रहा है। कटरीना की नेक्स्ट मूवी टाइगर जिंदा है सलमान खान के साथ 2017 में आया और यह फिल्म बॉक्स ऑफिस पर ब्लॉकबस्टर हो गया। मानता है कि नहीं? एक्शन तो भरपूर मात्रा में रहा मूवी में। अच्छा नेक्स्ट मूवी जीरो आई कटरीना की, आपकी बहुना शाहरुख खान के साथ, गजब बेइज्जती है, 2018 में, और ये फिल्म फ्लॉप हो गया। रोमांस कॉमेडी तो मूवी में पेल दिया गया। कटरीना की नेक्स्ट मूवी का शॉट हिंदुस्तान आई 2018 में आमिर खान के साथ और इस फिल्म का भी कांड भरा गया बॉक्स ऑफिस पर। असंभव यानी बिग फ्लॉप। बात तो सही है। एक्शन एडवेंचर मूवी में पेल दिया गया। क्या बोले तूने? कटरीना कैफ की नेक्स्ट मूवी भरत आई 2019 में सलमान खान के साथ और यह फिल्म बॉक्स ऑफिस पर सेमी हिट रही। कटरीना कैफ की नेक्स्ट मूवी सूर्यवंशी आई अक्षय कुमार के साथ 2021 में और यह फिल्म सुपर हिट हो गया। नहीं, मैं नहीं मानता। नेक्स्ट मूवी कटरीना कैफ की फोन भूत आई 2022 में और इस फिल्म का गांड भरा गया बॉक्स ऑफिस पर। क्या बोले तूने? यानी फ्लॉप हो गया। पैसा बर्बाद बहनचोद। सुपर नेचुरल स्टोरी मूवी में रेल दिया गया। ये बड़ी अच्छी बात कही है। अब अगर तुम लोग नए हो तो सब्सक्राइब करो, वो जो लाल वाला बटन है उसके साथ स्कैम करो या फिर महफिल जमाओ, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए।